हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं गोपाल सोनी और आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ऑनलाइन नीट। तो आज अपन, जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया है, आज हम 30 क्वेश्चन करेंगे 30 क्वेश्चन करेंगे किसके, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड। ये क्वेश्चन इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने इन क्वेश्चन को कर लिया तो डाइजेशन सिस्टम के, अगर आपका पूरा टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ है, कोई चैप्टर आपको टॉपिक के अंदर छूटा हुआ है, तो अगर उस क्वेश्चन से रिलेटेड आपने ये कर लिया तो 90% मैं गारंटी लेता हूं कि आपको डाइजेशन का वो टॉपिक है वो पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो उससे पहले आप एक काम करिए, इस चैनल का सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि जैसे ही आपको नया वीडियो आएगा आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, डाइजेस्टिव सिस्टम। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आप नए हो तो पहले इस वीडियो को करने से पहले या देखने से पहले डाइजेस्टिव सिस्टम का जो चैप्टर है वो पूरा एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है, उसके बाद इस वीडियो को स्टार्ट करना ताकि आपको भी मजा आएगा क्वेश्चन करने के अंदर। लेकिन सीधा अगर स्टार्ट करोगे, बिना पढ़ाई स्टार्ट करोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो पहले एक बार हल्की सी रीडिंग भी मार सकते हो आप, उसके बाद इस वीडियो को स्टार्ट करिए और पूरा एंड तक देखिए, बीच में स्किप बिल्कुल भी मत करना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग अलग जगह से छांट करके निकाले हैं आपके लिए। तो पहला क्वेश्चन देखिए, वयस्क मनुष्य का दंत सूत्र है, डेंटल फॉर्मूला ऑफ द एडल्ट पर्सन। ठीक है, ऑप्शन देखिए 21-23/21-23, या आपने, मैं भी समझाऊंगा नहीं ज्यादा, कुछ डिटेल में नहीं जाऊंगा, सीधा ऑप्शन है आपको बताना है 21-23/21-23। सेकंड ऑप्शन है 21-22/21-22। थर्ड है 21-23/21-24 और डी ऑप्शन है 21-32/21-32। तो आपने पढ़ा होगा, एनसीईआरटी में भी दे रखा है, जो वयस्क मनुष्य का जो दंत सूत्र होता है वो होता है, राइट आंसर होगा इसका ए, 21-23/21-23। क्लियर। सेकंड ऑप्शन देखिए, मनुष्य में एक बार दंती दंतों की संख्या है। ठीक है, आपको बताना है कि वे कौन से दांत हैं या कितने दांत हैं जो वे मनुष्य के अंदर केवल और केवल पूरी जिंदगी में एक बार आते हैं। तो एक बार आते हैं वो कितने दांत होते हैं, ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 22, सी है 32 और डी है 12। तो कितने दांत होते हैं जो एक बार आते हैं, तो इसका राइट आंसर जाएगा हमारा डी, 12 दांत होते हैं वो एक बार आते हैं। क्लियर, कौन कौन से होंगे, एक तो होगा थर्ड मोलार और बाकी प्री मोलार। क्लियर, ये हमारे जिंदगी में केवल एक बार ही आते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा पथ निगलने एवं श्वसन दोनों में उपयोग होता है। आपको बताना है कि कौन सा पथ है जिसमें कि फूड भी आ सकता है और सांस भी आएगी यानी हवा भी आएगी। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका ग्रसनी, सेकेंड है लैरिंग्स, थर्ड है गांठी और डी है निगल द्वार। तो क्या आंसर जाएगा इसका, सिंपल सा आंसर है फर्स्ट आंसर, ग्रसनी, फेरिंग्स। फेरिंग्स होता है वो ये वाला पार्ट होता है, यहां पर फूड भी आता है और एयर भी आएगी, उसके बाद फूड अलग हो जाएगा और एयर अलग हो जाएगी। तो जो फेरिंग्स है उसको क्या बोलेंगे अपन, फूड और निकलने और श्वसन दोनों के लिए उपयोग आता है। फोर्थ क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आ रखा है फोर्थ नंबर क्वेश्चन, जंतु जगत का, एनिमल किंगडम का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल कौन सा है, सबसे कठोर भाग क्या है, सबसे कठोर पदार्थ क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज इनेमल, सेकंड डेंटिन, थर्ड है अस्थि और डी है पल। तो क्या आंसर जाएगा, सभी को पता है फर्स्ट ऑप्शन जाएगा इसका राइट आंसर, इनेमल। इनेमल है वो जंतु जगत का सबसे कठोर भाग है। अगर यहीं पर एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, अगर आपसे पूछे पादप जगत का कठोर भाग क्या है, सबसे ज्यादा कठोर भाग क्या है, तो नाम होगा स्पोरोपोलेनिन। क्या नाम होगा, स्पोरोपोलेनिन। ठीक है, जब अपन वो करेंगे रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर उस समय इसको बताएंगे, लेकिन अभी यहां पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि जंतु जगत आ गया तो पादप जगत भी डिस्कस हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट, चीक टीथ। ठीक है, चीक टीथ कौन से होते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है इंसाइजर, ये जब आपके आरपीएमटी होती थी ना उसमें ये बहुत बार आ रखा था क्वेश्चन चीक टीथ। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए इंसाइजर और कैनाइन, इनको चीक टीथ कहते हैं, कैनाइन या प्रीमोलार को कहते हैं, प्रीमोलार या मोलार को कहते हैं, या केनाइन या मोलार को कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा आपका सी, प्रीमोलार और मोलार, इनको, इन दोनों को मिला करके क्या बोलते हैं, चीक टीथ। ठीक है, क्या बोलते हैं, चीक टीथ। नेक्स्ट देखिए, फाइव हो गया, सिक्स नंबर क्वेश्चन, सिक्स नंबर क्वेश्चन है वो एम्स के अंदर एक दो बार आ रखा है, तो जो क्वेश्चन आपके एम्स में आ जाते हैं उनके चांसेस ज्यादा होते हैं कि वो आपके नीट के अंदर पूछे जाए। तो जैकोबसन के अंग, इसके अंग जैकोबसन के अंग संबंधित होते हैं, किससे संबंधित होते हैं, स्पर्श से, गंध से, दाब से या सुनने से। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा बी, गंध से, स्मेल से संबंधित होते हैं किसके, जैकोबसन के अंग।
ध्यान रखना जैकोबंस के अंग होते हैं वो किससे रिलेटेड होते हैं, तो बोलेंगे गंध से रिलेटेड होते हैं, ज्यादा ये विकसित होते हैं कुत्तों वगैरह के अंदर जिनको स्मेल ज्यादा होती है। ठीक है, फिर आइए नेक्स्ट आइए हमारे पास सेवन नंबर क्वेश्चन। सेवन नंबर क्वेश्चन देखिए, एचसीएल अम्ल स्त्रावित किया जाता है, एचसीएल अम्ल है वो कौन निकालता है, कौन सी कोशिकाएं होती है जो कि एचसीएल एसिड को बाहर निकालती है, सीक्रेट करती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका पेनिथ कोशिकाएं, सेकंड है गोबलेट कोशिकाएं, थर्ड है चीफ कोशिकाएं और फोर्थ है पेराइटल कोशिकाएं। तो कौन सा आंसर जाएगा, राइट आंसर जाएगा इसका डी, पेराइटल कोशिकाएं। पेराइटल कोशिका होती है वो क्या निकालती है, एचसीएल, जबकि जो चीफ कोशिकाएं होती है वो निकालती है एंजाइम जैसे कि पेप्सिनोजन प्रोरेनिन वगैरह। ठीक है, तो राइट आंसर एचसीएल कौन निकालता है, तो बोलेंगे पेराइटल कोशिका होती है वो निकालती है एचसीएल। क्लियर, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है हमारा मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ पर मैंने खुद ने इंपोर्टेंट लगा रखा है, क्वेश्चन 300 के 30 इंपोर्टेंट है लेकिन इंपोर्टेंट के अंदर भी इंपोर्टेंट कौन सा है, 8 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देख लेना भाई, ध्यान से देख लेना, बहुत बार आ रखा है, बहुत बार, ठीक है, अनगिनत बार आ रखा है, नीट के अंदर भी आ रखा है, एम्स के अंदर भी आ रखा है, आरपीएमटी में, जिपमर वाला सब में आ रखा है, कभी ना कभी आएगा। ब्रूनर ग्रंथिया, नाम सुना होगा आपने, ब्रूनर ग्रंथिया उपस्थित होती है, प्रेजेंट होती है कहां पर, पहला ऑप्शन अमाशय की सब म्यूकोशा में, सेकंड ईलियम की म्यूकोशा के अंदर, थर्ड है ग्रहणी की सब म्यूकोशा में और फोर्थ है ग्रसिका की म्यूकोशा में। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा सी, ग्रहणी की सब म्यूकोशा के अंदर ब्रूनर ग्रंथिया प्रेजेंट होती है। रट लेना ये लाइन, एनसीईआरटी की लाइन है, रट लेना, एक क्वेश्चन आएगा पक्का आएगा ब्रूनर ग्रंथिया, ठीक है, ग्रहणी की सब म्यूकोशा के अंदर प्रेजेंट होती है। फिर देखिए नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन, लीबर कुहन की दरारें, नाम सुना होगा आपने लीबर कुहन, ठीक है, एनसीईआरटी के अंदर अच्छे से दे रखा है, लीबर कुहन की जो दरारें होती है यानी क्रिप्ट ऑफ लीबर कुहन है वो क्या स्त्रावित करती है। तो पहला ऑप्शन आपका गैस्ट्रिन, सेकंड है रेनिन, थर्ड है कोलेसिस्टोगाइनिन और फोर्थ है सक्कल्स एटेरिकस। तो क्या इस तरह आप कमेंट बॉक्स में भी टाइप करके बता सकते हैं मुझे और यहां पर भी मैं आपको आंसर दे दूंगा। तो 9 नंबर का जो आंसर होगा लीबर कुहन की दरारें हैं वो स्त्रावित करती है वो है आपका डी, सक्कल्स एटेरिकस। ठीक है, ये आंतरीय रस होता है सक्कल्स एटेरिकस, इंटेस्टियल जूस, वो कहां से निकलता है, तो बोलेंगे लीबर कुहन की दरारों से निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए डी ऑप्शन 10 नंबर क्वेश्चन, लार में उपस्थित टाइलिन किस पीएच पर काम करता है, यानी आपको कुल मिला के लार में, अब लार कहां निकलती है, तो बोलेंगे मुंह के अंदर निकलती है, तो मुंह के अंदर जो टाइलिन एंजाइम होता है वो कौन सी पीएच पर काम करता है, तो ये आपको बताना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है आपका 6.8, सेकंड है 7.8, थर्ड है 8.8 और फोर्थ है 5.8। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मुंह की जो पीएच होती है वो होती है 6.8, कितनी होती है 6.8, तो 10 का आंसर जाएगा फर्स्ट 6.8। क्लियर, 7.8 होती है वो होती है ग्रहणी यानी छोटी आंत की पीएच होती है, बाकी ये कोई पीएच नहीं होती, दो ही पीएच है 6.8 और 7.8। 6.8 आपको ध्यान रखना है माउथ की है और 7.8 है वो है ग्रहणी की। ठीक है, फिर 11 नंबर क्वेश्चन, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है और बच्चे यहां पर कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज कहां होंगे, देखिए आपसे पूछ रहा है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, अब पर्सन को ध्यान से पढ़ना, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज, फर्स्ट ऑप्शन है आपकी अग्नाशय, सेकंड है थायराइड, थर्ड है यकृत और डी है पीयूष। तो बच्चे क्या करते हैं, या तो करके आएंगे बी थायराइड ग्लैंड और सी के अंदर होते हैं कंफ्यूज कि भाई बी होगा कि सी होगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा हमारा सी, यकृत यानी लीवर है वो लार्जेस्ट ग्लैंड होती है ह्यूमन बॉडी की, थायराइड है वो लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, क्योंकि यहां पर कहीं पर भी एंडोक्राइन यानी अंतःस्रावी ग्रंथि इसने नहीं लिखा, इसने क्या लिखा है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे तो यकृत, लेकिन सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछे तो आएगा थायराइड। क्लियर, नेक्स्ट देखिए, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो एक नीचे लाइक का बटन है वो दबा सकते हैं आप, ठीक है, हमको थोड़ी बहुत एनर्जी मिल जाएगी। 12 नंबर क्वेश्चन, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, आपको बहुत फायदा होने वाला है इस चैनल के वीडियो से। 12 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा यकृत का कार्य नहीं है, लीवर का फंक्शन नहीं है, कौन सा फंक्शन है वो लीवर नहीं करता है, पहला है डीएमिनेशन, सेकेंड है बाइल संग्रहण, थर्ड है प्लाज्मा प्रोटीन का संश्लेषण और फोर्थ है वसा में घुलनशील विटामिन का संग्रहण। ठीक है, तो फर्स्ट डीएमिनेशन है वो लीवर करता है,
सी प्लाज्मा प्रोटीन की भी लीवर बनाता है, और डी वसा में संग्रह घुलनशील विटामिन का संग्रहण भी लीवर करता है। लेकिन एक काम है जो लीवर नहीं करता है, वो होता है बाइल जूस का संग्रह। बाइल जूस को कलेक्ट है वो लीवर नहीं करता है, वो कौन करता है? वो करता है आपका गॉल ब्लडर यानी कि पित्ताशय, वो करता है बाइल संग्रहण। तो राइट आंसर आएगा हमारा बी, बाइल संग्रहण कौन का कार्य नहीं है, किसका? यकृत का कार्य नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 12 नंबर क्वेश्चन हो गया। 13 नंबर क्वेश्चन, कुफर कोशिकाएं, बहुत बार आ रखा है भाई, बहुत बार, कुफर कोशिकाएं किससे रिलेटेड है या कहां पाई जाती है? तो बोलेंगे कुफर कोशिकाएं होती है आपके लीवर के अंदर। किसमें होती है? लीवर के अंदर, ध्यान रखना कुफर कोशिकाएं। ये काम क्या करती है? फैगोसाइट प्रकृति की होती है। ठीक है, कौन से नेचर की होती है? तो बोलेंगे फैगोसाइट नेचर की होती है आपकी। फिर नेक्स्ट आओ, दूध में उपस्थित कैसीन है, आपको बताना है कि दूध के अंदर एक मटेरियल होता है जिसका नाम होता है कैसीन, वो कैसीन क्या है? एक जीवाणु है, प्रोटीन है, शर्करा है या वसा है? ठीक है, तो यहां पर बहुत सारे बच्चे लगभग आंसर देकर आते हैं, या तो देकर आएंगे वसा, ठीक है, क्योंकि उनको लगता है कि भाई दूध से क्या निकलता है, घी निकलता है, तो आंसर फैट होगा। लेकिन इसका राइट आंसर है वो फैट नहीं होगा, बल्कि इसका राइट आंसर जाएगा प्रोटीन। दूध के अंदर कैसीन नाम की एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है। क्या बोलेंगे? कैसीन नाम की एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है। इसका उल्टा भी पूछ सकते हैं कि दूध में एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है, उसका नाम क्या है? तो नाम आएगा कैसीन। ठीक है, प्रश्न को उल्टा भी कर सकते हैं, सीधी सी बात है। तो कैसीन क्या है? एक प्रोटीन है, ना कि फैट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट इन्वर्टेज एंजाइम। ठीक है, इन्वर्टेज एंजाइम है वो जल अपघटन करता है। किसका जल अपघटन करता है? क्या ये ग्लूकोज को सुक्रोज में कन्वर्ट करता है? क्या ये सुक्रोज को ग्लूकोज व फ्रक्टोज में कन्वर्ट करता है? क्या ये स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है या स्टार्च को सुक्रोज में तोड़ता है? तो राइट आंसर क्या जाएगा इसका? बी, ये सुक्रोज को ग्लूकोज व फ्रक्टोज में तोड़ता है। इसका दूसरा नाम क्या होता है? सुक्रेज। इन्वर्टेज का दूसरा नाम क्या है? सुक्रेज। तो सुक्रेज क्या करेगा? सुक्रोज को तोड़ेगा। किसमें? ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज के अंदर। यह क्वेश्चन आ रखा है एम्स के अंदर 2013 के अंदर, 2013 के अंदर आया था ये एम्स के अंदर। तो हो सकता है आपके नीट के अंदर ये रिपीट हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन का, इन्वर्टेज एंजाइम क्या करता है। फिर नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट चलते हैं अपने 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ट्रिप्सिन का स्त्रवण होता है, ट्रिप्सिन कौन निकालता है? फर्स्ट ऑप्शन अग्नाशय, सेकंड अमाशय, थर्ड है यकृत और फोर्थ है शुद्रांत। तो ट्रिप्सिन कौन निकालता है? एनसीईआरटी के अंदर सीधी सलाइन दे रखी है, ट्रिप्सिन निकलता है आपके पैनक्रियास से, अग्नाशय से निकलता है ट्रिप्सिन। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 15 क्वेश्चन और 16 क्वेश्चन की बात होगी। चैनल को मैं फिर बोल रहा हूं, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, ऑनलाइन नीट नाम से हमारा चैनल है, यूट्यूब चैनल है, आज ही हमसे जुड़ जाइए, आपको बहुत फायदा होगा। नीट एग्जाम जब तक नहीं होगा तब तक आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन, भूखे मनुष्य में सबसे पहले कौन सा पदार्थ उपयोग आता है? अगर एक पर्सन है, एक व्यक्ति है जो लगातार भूख हड़ताल पर है, या उसने 2-3 दिनों से खाना नहीं खाया है, तो 2-3 दिनों से खाना नहीं खाया है तो उसके शरीर के अंदर कौन सा पदार्थ होगा जो सबसे पहले उपयोग में आएगा, उसको एनर्जी प्रोवाइड कराएगा, कहने का मतलब? तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका वसा, सेकंड है प्रोटीन, थर्ड है ग्लाइकोजन और फोर्थ है विटामिन। वसा, प्रोटीन, ग्लाइकोजन और विटामिन, आप कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर दे सकते हैं। इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा सी, ग्लाइकोजन। सबसे पहले कौन सा उपयोग में आएगा? ग्लाइकोजन, उसके बाद आएगा हमारा फैट, और उसके बाद आएगा लास्ट में प्रोटीन। ठीक है, क्या ऑर्डर क्या होगा? ग्लाइकोजन, फैट, प्रोटीन। ठीक है, ये होगा आपका ऑर्डर, सबसे पहले यूज आएगा ग्लाइकोजन, उसके बाद फैट, उसके बाद प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 18, टाइलिन अमाशय में कार्य नहीं करता है क्योंकि यह हो जाता है एचसीएल की उपस्थिति के कारण निष्क्रिय, रेनिन के कारण निष्क्रिय, पेप्सिन के कारण निष्क्रिय या नन ऑफ दिस। तो टाइलिन अमाशय के अंदर कार्य नहीं करता है। टाइलिन कहां निकलता है? मुंह के अंदर निकलता है, एक ग्लैंड होती है जिसका नाम होता है पैरोटिड ग्लैंड, वहां से निकलता है टाइलिन, जो क्या करता है? स्टार्च का डाइजेशन करेगा। लेकिन ये टाइलिन है वो अमाशय में कार्य नहीं करता है, क्यों? क्योंकि अमाशय के अंदर प्रेजेंट होता है एचसीएल, एचसीएल की उपस्थिति के अंदर जो टाइलिन एंजाइम होता है वो कैसा हो जाता है? निष्क्रिय हो जाता है। तो टाइलिन एंजाइम कभी भी काम नहीं करेगा किसके अंदर? अमाशय के अंदर काम नहीं करेगा। तो इसका राइट आंसर आएगा ए, एचसीएल की उपस्थिति के कारण निष्क्रिय। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 19, कुछ प्रोटीन अपघटक एंजाइम है। अब आपको ये वाले क्वेश्चन आजकल बहुत आने लगे नीट के अंदर, जिसमें आपको चार ऑप्शन दिए होंगे, चार में से कुछ एक है वो अलग करना होगा, ठीक है। तो आपको बताना है कि जैसे तीन तीन के मैंने सेट बना रखे हैं, तो इन तीन तीन के सेट में से आपको बताना है कि तीनों के तीनों प्रोटीन अपघटक एंजाइम कौन से हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन देखिए, ट्रिप्सिन लाइपेज पेप्सिन। ट्रिप्सिन कैसा है? प्रोटीन वाला है, लाइपेज फैट वाला है, और पेप्सिन प्रोटीन वाला है। तो दो तो सही है, लेकिन एक ही बीच में गड़बड़ कर रहा है, तो ये आंसर नहीं जाएगा। तीनों के तीनों कौन से होने चाहिए? प्रोटीन वाले होने चाहिए। फिर आओ एमाइलेज। एमाइलेज किसका करता है? कार्बोहाइड्रेट का। लाइपेज करता है फैट का, तो ये वाला भी हमारा आंसर नहीं होगा। फिर थर्ड देखिए, टाइलिन, ठीक है, प्रोटीन का करता है, सॉरी टाइलिन करता है स्टार्च का, तो ये वाला भी हमारा आंसर गलत हो गया। फिर देखिए, ट्रिप्सिन प्रोटीन का करता है, पेप्सिन प्रोटीन का करता है, इरेप्सिन प्रोटीन का करता है, तो डी आंसर हमारा जाएगा सही, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आजकल बहुत आने लगे हैं, इस क्वेश्चन को आप इंपोर्टेंट लगा लेना। ऐसे क्वेश्चन नीट के अंदर बहुत पूछे जा रहे हैं, मतलब अगर 90 क्वेश्चन आते हैं तो 90 में से 10 क्वेश्चन आपको ऐसे इस टाइप के मिलेंगे, जिसमें आपको एक चार ऑप्शन देंगे, चार में से एक को अलग करना होगा, थोड़ा बहुत उसके अंदर मिस्टेक होगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को इंपोर्टेंट लगा लेना भाई। फिर आओ 20 नंबर, ग्लाइकोजन का संग्रह होता है। ये क्वेश्चन आया था मेरे हिसाब से 2014 के अंदर आया था, ठीक है, 14 में आया था या पता नहीं 15 के अंदर आया था, मतलब एक साल के अंदर अभी 14 या 15 में आ रखा है कि ग्लाइकोजन का संग्रह कौन करता है। ऑप्शन था वृक, यकृत, मांसपेशी या बी और सी दोनों। तो राइट आंसर जाएगा इसका, मोस्टली जो बच्चे हैं वो कर कर आते हैं यकृत, कि लीवर के अंदर ग्लाइकोजन का संग्रह होता है। लेकिन जब आप पढ़ोगे स्केलेटल सिस्टम, उसके अंदर एक लाइन लिख रखी है कि जो मांसपेशी होती है, स्केलेटल मसल होती है, वो भी संग्रह करती है किसको? ग्लाइकोजन का संग्रह करती है, ठीक है। तो आंसर जाएगा यहां पर डी, बी और सी दोनों, यकृत भी करता है और मांसपेशी भी करता है। ध्यान रखना, मोस्ट 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 इंपोर्टेंट, वापिस से रिपीट हो सकता है पर्सन, ठीक है, या तो पर्सन रिपीट होगा या आपको सीधा लाइन दे देंगे कि भाई निम्न में से करेक्ट कौन सा है। उस वैसा भी बहुत बार आ रखे हैं कि भाई सही को पहचाने कौन सा गलत है कौन सा सही है, तो उसमें भी ये पर्सन आ सकता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन का। फिर एक बार फिर से कहना पड़ रहा है कि भाई अगर नए जुड़े हो तो YouTube चैनल है ऑनलाइन नीट नाम से, उससे जुड़ जाइए, अच्छे अच्छे वीडियो आपसे मिलेंगे, क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे लगातार, और नीट के अंदर आपको इन्हीं क्वेश्चन से बहुत ज्यादा फायदा होगा। इसके अलावा मैंने फिजिक्स के भी क्वेश्चन करा रखे हैं और कुछ ट्रिक भी बता रखी है, केमिस्ट्री से रिलेटेड बॉन्ड ऑर्डर की ट्रिक वगैरह, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैंने करा रखी है, तो उनके सबके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन डाल दिए हैं, आप वहां जाकर उन वीडियो को दे सकते हैं, या सीधा आप जाएं ऑनलाइन नीट प्लेलिस्ट के अंदर जाकर, अलग अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, तो वहां पर भी आप जाकर आराम से वीडियो देख सकते हैं और कुछ अच्छा सीख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप फेसबुक चैनल पर हमसे जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, लिंक मैंने सारा डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अब इसकी जो पीडीएफ है वो पीडीएफ आपको मिलेगी हमारे फेसबुक चैनल, जिसका नाम है ऑनलाइन नीट, आप सर्च करोगे तो हमारा ऑनलाइन नीट नाम से एक पेज आएगा, उस पेज पर मैं ये पीडीएफ डाल दूंगा, अगर कोई बच्चा है वहां से डाउनलोड करना चाहे तो डाउनलोड कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट, इसका पाचन है वो पूरा पाचन कहां होता है, ठीक है, तीनों के तीनों कहां पर आकर लाइस्ट के अंदर टूटते हैं। तो पहला ऑप्शन है अमाशय, सेकंड है यकृत, थर्ड है छोटी आंत और फोर्थ है बड़ी आंत। तो क्या आंसर जाएगा इसका? ऑप्शन जाएगा सी, छोटी आंत। छोटी आंत यानी कि अंदर आकर कार्बोहाइड्रेट पूरा टूट जाता है, प्रोटीन पूरा टूट जाता है और वसा भी पूरी टूट जाती है, ठीक है। फिर और 22 नंबर क्वेश्चन, अग्नाशय रस निम्न के पाचन में भाग लेता है। पहला ऑप्शन आपका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा, दूसरा है प्रोटीन और वसा, तीसरा है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और चौथा है केवल प्रोटीन। यानी अग्नाशय से जो रस निकलता है, जो जूस निकलता है, उसके अंदर जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं वो किस किस को डाइजेशन करते हैं? क्या प्रोटीन तीनों को डाइजेस्ट करेंगे, क्या दो को करेंगे, प्रोटीन और वसा को, क्या प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट करेंगे या केवल प्रोटीन को करेंगे? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा ए, तीनों को डाइजेस्ट करते हैं, प्रोटीन को भी करेगा, कार्बोहाइड्रेट को भी करेगा और वसा को भी करेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सा अन्य सेलग है? देखो फिर से आ गया, आपको तीन सेम निकालने हैं और एक अलग निकालना है, तो अलग वाला निकालना है। देखो पहला ऑप्शन दे रखा है आपको गैस्ट्रिन, सेकंड दे रखा है ग्लूकागोन, थर्ड दे रखा है टायरिन और फोर्थ दे रखा है सिग्रेटिन। इन तीनों में एक समानता है, गैस्ट्रिन, ग्लूकागोन और सिग्रेटिन, इन तीनों में एक समानता है कि तीनों के तीनों क्या है? हार्मोन है। तीनों के तीनों क्या है? हार्मोन है।
जबकि ये क्या है एंजाइम, ये क्या है एंजाइम। तो राइट आंसर हमारा जाएगा सी टायरिन, राइट आंसर क्या जाएगा टायरिन, अलग कौन है टायरिन है। ठीक है फिर आओ 24 नंबर क्वेश्चन, तीन स्त्रवण जो छोटी आंत में भोजन से मिलते हैं वे होते हैं कि तीन स्त्रवण तीन सीक्रेशन कौन कौन से हैं जो डुडेनम के अंदर आकर के फूड से मिल जाते हैं। पहला दे रखा है पित्तरस, अग्नाशय रस, आंत्रीय रस। सेकंड दे रखा है अग्नाशय रस, आंत्रीय रस और जठर रस। थर्ड दे रखा है पित्त, अग्नाशय और जठर। और फोर्थ दे रखा है पित्त, जठर और लार। तो यहां पर आप देख सकते हो जठरस, जठरस कभी भी छोटी आंत के अंदर नहीं आता है, वो कहां आता है केवल और केवल आमाशय में आता है। तो जठरस जो भी आ रहा है वो आपके ऑप्शन क्या हो जाएगा गलत। तो यहां पर जठर आ रहा है, यहां पर गलत ऑप्शन, ये जठर ये भी गलत, यहां पर भी जठर आ रहा है ये भी गलत। ठीक है तो राइट आंसर हमारा बचा ए नंबर क्वेश्चन। ठीक है पित्तरस, अग्नाशय रस और आंत्रीरस तीनों कहां आते हैं डुडेनम के अंदर आते हैं। नेक्स्ट देखो 25, किसके दूध में लैक्टोज की मात्रा है वो सर्वाधिक होती है। ये क्वेश्चन आ रखा है आपका जिपमर के अंदर। ठीक है और जिपमर के अंदर भी काफी अच्छे क्वेश्चन आते हैं, लेवल के क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन आते हैं जो नॉर्मली अपन पढ़ते नहीं है, उस टाइप के ज्यादा क्वेश्चन आते हैं जो नॉर्मली बच्चा नहीं पढ़ता। तो ये जिपमर के अंदर आ रखा है कि किसके दूध में लैक्टोज की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो ये वाला क्वेश्चन अपन जनरली नहीं पढ़ते हैं, ठीक है ना, तो एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है ना ही अपन नॉर्मली अपन नहीं पढ़ते। तो ये आपको सीधा याद करना पड़ेगा। तो गाय के अंदर होता है, मादा मनुष्य में होता है, बकरी में होता है कि भैंस में होता है। तो सर्वाधिक जो लैक्टोज होता है दूध के अंदर वो होता है मादा मनुष्य के अंदर। ठीक है यानी फीमेल जो हुमन होती है उसके अंदर प्रेजेंट होता है, उसके दूध के अंदर प्रेजेंट होती है लैक्टोज की सर्वाधिक मात्रा। क्लियर, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए भाई। ठीक है हमारी मेहनत देख सकते हैं आप, पूरा हाथ से लिखा गया है, प्रश्न हमने ढूंढ ढूंढ कर निकाले हैं। तो अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, आपके लाइक से हमें प्रोत्साहन मिलेगा और नए आगे वीडियो हम ऐसे बनाते रहेंगे। तो 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे। अत्यधिक मात्रा में शराब के सेवन से हो जाता है, फर्स्ट ऑप्शन है पीलिया, सेकंड डर्माटाइटिस, थर्ड लिवर सिरोसिस और फोर्थ फाइब्रोसिस। तो इसका राइट आंसर जाएगा सी लिवर सिरोसिस। जब भी अत्यधिक मात्रा में आप शराब करोगे तो आपका लीवर खराब हो जाएगा और लीवर के खराब, लीवर के अंदर जो भी बीमारी होती है उसको बोलते हैं सिरोसिस। तो नाम रखा लीवर सिरोसिस। एक अमिताभ बच्चन का डायलॉग भी है कि ज्यादा शराब पीने से लीवर खराब हो जाता है ना, तो वो वाला लीवर सिरोसिस है। राइट आंसर जाएगा आपका सी। फिर देखिए 27 नंबर क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी की लाइन है पूरी की पूरी। लैक्टियस भाग लेती है, ठीक है एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम दे रखा है, डायग्राम के अंदर भी दिखा रखा है एरो करके लैक्टियस। तो लैक्टियल का काम क्या होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन है आपके दूध के पाचन में, सेकंड है वसा के अवशोषण में, थर्ड है लैक्टिक अम्ल के पाचन में, या डी है नन ऑफ दिस। तो लैक्टियल का काम होता है वसा के अवशोषण में, जो अपन फैट अपन खा रहे हैं उस फैट को एब्जॉर्ब कौन करेगी, तो बोलेंगे लैक्टियल्स करेगी। तो इसका राइट आंसर जाएगा बी। 28 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जठर रस के स्त्रावण को प्रेरित करता है, यानी कौन सा एक हार्मोन आपको बताना है कि जो जठर रस के निकलने को प्रेरित करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है गैस्ट्रिन, सेकंड है एंटेरोगेस्टेरोन, थर्ड है सिक्रेटिन और फोर्थ है हिपेटोक्राइनिन। तो इसका राइट आंसर जाएगा फर्स्ट, गैस्ट्रिन हार्मोन होता है जो जठर रस के स्त्रावण को प्रेरित करता है। ठीक है क्वेश्चन नंबर 29, पचित भोजन किसके द्वारा यकृत में पहुंचता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी एम्स के अंदर आ रखा है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ये मुझे लगता है इस बार आ सकता है कि पचित भोजन है वो किसके द्वारा यकृत में पहुंचता है। यकृत निवायिका शिरा यानी हिपेटिक पोर्टल वेन, हिपेटिक आर्टरी, हिपेटिक वेन या उपरोक्षदी। तो इसका जो राइट आंसर आएगा, पचित भोजन पहुंचता है वो पहुंचता है यकृत के अंदर, यकृत निवायिका शिरा द्वारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हिपेटिक पोर्टल वोन के द्वारा पहुंचता है, किसके अंदर लिवर के अंदर। ध्यान रखना हिपेटिक आर्टरी या हिपेटिक शिरा मत करके आना, हिपेटिक निवायिका शिरा यानी कि हिपेटिक पोर्टल वेन। ठीक है फिर आओ क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन हमारा 30 क्वेश्चन, क्वाशियोरकर बीमारी किसकी कमी से होती है। एनसीईआरटी के अंदर पीछे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पीछे दो बीमारी दे रखी है, एक आता है क्वाशियोरकर, एक होती है मार्समस। तो आपको बताना है कि क्वाशियोरकर बीमारी है वो किससे होती है। तो क्वाशियोरकर बीमारी होती है, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है शर्करा, सेकंड दे रखा है प्रोटीन, थर्ड दे रखा है दोनों, या डी दे रखा है नन। तो जनरली बच्चे क्या करके आते हैं, या तो करके आएंगे शर्करा या करके आएंगे दोनों, जबकि दोनों ही आंसर इसका रॉन्ग है। इसका राइट आंसर जाएगा प्रोटीन, क्वाशियोरकर बीमारी है वो प्रोटीन की कमी से होती है। और ये दूसरी बीमारी होती है जिसका नाम होता है मार्समस, वो होती है शर्करा की कमी यानी कि कैलोरी की कमी से, और प्रोटीन की कमी से यानी कि दोनों से होती है। ठीक है
तो ये हो गए हमारे 30 क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि अब ऐसे वीडियो आने वाले हैं जब तक आपका पेपर नहीं होगा। ठीक है, ऐसे वीडियो में लगातार लाता रहूंगा, हर एक चैप्टर के 30 क्वेश्चंस जितने भी हो सकते हैं, मिनिमम 30 और मैक्सिमम में आप 50, अगर कोई चैप्टर बड़ा है तो उसके 50 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो वही क्वेश्चन करेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, फालतू क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं करेंगे, सिंपल सिंपल क्वेश्चन नहीं करेंगे, वही क्वेश्चन करेंगे जो नीट के अंदर आ सकते हैं, पीछे जैसे फॉर्मेट के अंदर आ रखा है उस टाइप के क्वेश्चन, और कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन, ठीक है, जिससे आपके थोड़े बहुत कंसेप्ट है वो क्लियर हो। और जब भी आप किसी भी क्वेश्चन को करें तो आप पहले उस चैप्टर को पूरा पढ़ लें आराम से घर बैठकर, उसके बाद वीडियो को स्टार्ट करके क्वेश्चन करें, ताकि आपको पता चल जाएगा भाई मैंने कितना पढ़ा है, कितना मुझे याद है, कितना मेरे से हो रहा है, कहां कहां मैं गलती कर रहा हूं। ठीक है, तो उन गलतियों को आप वापस से सुधार सकते हैं। और कोई भी क्वेश्चन आपको लग रहा है कि भाई ये क्वेश्चन बढ़िया है, उस क्वेश्चन को आप कॉपी में नोट कर लीजिए, ताकि जब भी आप वापिस से चैप्टर को पढ़ेंगे उस समय वो क्वेश्चन आपके दिमाग में वापिस से आ जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। इसके साथ मैंने ये सारे की सारी जो PDF है यहां पर देखिए आप, ये इसके आंसर की है। ठीक है, ये सारी की सारी पूरी PDF है, वो मैं आपको मेरे Facebook पेज ऑनलाइन नीट नाम से आप सर्च करोगे वहां पर आपको ये मिल जाएगी। ठीक है, तो आज ही जुड़ जाइए, YouTube चैनल है जिसका नाम है ऑनलाइन नीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शबा खैर।